जब सब्जी बनाने का मन नहीं करे, सारी सब्जियां खा के हो चुकी हैं बोर, तो इस तरह की आप ये सब्जी बनाइए। ये आटे और बेसन से मैंने बनाई है सब्जी, बहुत ही लाजवाब सब्जी है, आपको बहुत पसंद आएगी, ये पक्की बात है। आटे और बेसन से सब्जी बनती है क्या? बिल्कुल बनती है साहब, आप बना के देखिए ना, हमने बनाई है ना, ट्राई करके देखिए और कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फटाफट से लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है, अमेजिंग रेसिपी है, बिल्कुल नया तरीका है, आपने नहीं देखा होगा आज तक भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आधा कप बेसन। जी हाँ, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, उससे अपने हिसाब से कर सकते हैं। आधा कप बेसन, पतला या मोटा कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आधा कप मैंने लिया है आटा। जी हाँ, जो घर में आटा होता है नॉर्मल आटा, वो लिया है मैंने इसके अंदर। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ हाफ टी स्पून नमक, बाकी स्वाद के अनुसार कम या तेज़ आप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर, बाकी भी आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ वेजिटेबल ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप ले लीजिए, वेजिटेबल ऑयल भी लीजिए, बस सरसों का तेल मत ले लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसे एक बार मिक्स करते हैं और इसका डो बनाएंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डो बनाना है, हार्ड वाला डो। जी हाँ, आटा क्या जैसे बनाते हैं ना, आटा बनाते हैं तो डो जो है ना वो हार्ड बनेगा इसका, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर हार्ड सा डो बना लीजिए आप इसके अंदर। तो ये देखिए, मैंने हार्ड सा इसका डो बना लिया इस तरह का, ये देखिए आटे और बेसन का बिल्कुल हार्ड सा डो बना लिया है। और इतनी शानदार रेसिपी है दोस्तों कि आप खुद ट्राई करके और खुद बोलेंगे मज़ा आ गया सिंह भाई वाकई में, कमेंट खुद ही कर देंगे आप, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं जिससे हमारा आटा सूखे नहीं, और इसे 5 मिनट का रेस्ट देते हैं। 5 मिनट बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। 5 मिनट इसका रेस्ट दिया, 5 मिनट बाद इसकी इस तरह से लोइयाँ तोड़ेंगे, और लोई तोड़ने के बाद इस तरह से इसको फ्लैट करके गोल गोल बनाएंगे। और हमारे यहाँ पर इसे बोलते हैं मंगोड़ी, तो यहाँ पर मैं इस तरह से बना लूँगा मंगोड़ी टाइप की। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आप पतली पतली सी इसकी मंगोड़ी बना लीजिए। तो ये सारी की सारी मंगोड़ी मैंने बना ली है इसकी, और आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है इस चीज़ को, हमारे राजस्थान में तो मंगोड़ी बोला जाता है। तो बस ये बना लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले रहा हूँ, और यहाँ पर ले रहा हूँ कि मीडियम साइज़ का प्याज, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। 2 हरी मिर्ची ले रहा हूँ, अगर तीखा कम पसंद है तो आप 1 हरी मिर्ची ले सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ इसके अंदर मैंने डाल दी है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाला है, और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पानी की इसका पेस्ट बन जाए, बस बस इसको पेस्ट ही बनाना है हमें। तो इसका पेस्ट बनाना है, दरदरा सा पेस्ट बनाना है, स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक कटोरी के अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून नमक। जी हाँ, बाकी स्वाद के अनुसार ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी, जी हाँ वो ले रहा हूँ। और इस मसाले को हम पानी डाल के भिगोएंगे। मसाला पानी से डालने के अंदर, भिगोने के अंदर क्या होता है, एक तो जब आप सब्जी बनाते हैं ना सूखा मसाला डालते हैं, सब्जी काली पड़ जाती होगी, वो नहीं पड़ेगी एक तो आपकी, और ये फूल जाएगा मसाला, फूलने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और आपकी सब्जी भी काली नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल रख लिया था, और इसको मैंने पहले हाई फ्लेम पे गरम किया, फिर मीडियम फ्लेम पे इसको कर दिया है। हाई फ्लेम पे गरम करने के बाद मीडियम फ्लेम कर दें, और उसके बाद हम ये हमारी मंगोड़ियाँ डाल देंगे। अब देखिए पूरी चिपकी भी है ना, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गई हैं बिल्कुल, और आपकी भी ऐसी चिपकेगी, लेकिन टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इसके अंदर हम डालेंगे ना, जैसे धीरे धीरे पकेगी ना, ये अपना पूरा पूरा चिपकना छोड़ देगी और ये एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो बस इस तरह से हमें पकाना है इसे 3 से 4 मिनट। जी हाँ, 3 से 4 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 से 4 मिनट मैंने इसे पकाया है, देखिए हल्का हल्का से इसका कलर चेंज हो गया। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है कि बहुत इसका डार्क गोल्डन ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन कलर कर देंगे, वो हमें नहीं करना। तो बस हमें 3 से 4 मिनट पकाया, ये बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब इसे निकाल के अलग साइड में रखते हैं, तो बस इसे हम निकाल लेते हैं। रेसिपी वाकई में आपको अच्छी लगेगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बस इसे साइड में रख लिया। अब मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल रहा हूँ। जी हाँ, सरसों का तेल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वहाँ पर नहीं डालना था। ऑयल जब गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून डाल रहा हूँ इसके अंदर साबुत जीरा। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली बारीक चॉप, जिसे आप चाहें तो बारीक चॉप कर लें, रफली चॉप कर लें, जैसा चाहें ना वैसे आप चॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्याज को हमें भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। जी हाँ, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, ट्रांसलूट तक नहीं भूनना, वरना मीठा रहेगा तो सब्जी का मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए प्याज को मैंने भूना है कम से कम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूना है, तभी इसका फ्लेवर आएगा। स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि प्याज अच्छा भुन गया तो हमारी पूरी रेसिपी अच्छी बनेगी। यहाँ पर हम डालेंगे हमारा पेस्ट, जो हमारा अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और वो भी डालने के बाद मीडियम फ्लेम ही रहेगी, अभी तक यहाँ पर फ्लेम मीडियम ही है, और इसे भी हमें कम से कम 2 से 3 मिनट पकाना है कि इन सब चीज़ों का कच्चापन वापस से चले जाए।
2 से 3 मिनट मैंने इसे पका लिया और इसका कच्चापन बिल्कुल चले चुका है और ये देखिए ड्राई भी हो चुका है। तो बस अब क्या करना है, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ हमारा ये पेस्ट। देखिए देखिए पेस्ट बिल्कुल फूल चुका है ना, गाढ़ा हो चुका है, कितना पतला सा पहले मसाले हमारे फूल गए ना, मतलब मसाले फूल गए तो मसाले अच्छा सा एक टेक्स्चर देंगे, स्वाद देंगे और सब्जी का कलर है ना जो कालापन नहीं होगा उसके अंदर। यहाँ पर फ्लेम कर देंगे हम स्लो और स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक, जब तक हमारे मसाले ऑयल नहीं छोड़ दे और मसाले की सौंधी सौंधी सी खुशबू जब तक हमारे घर में नहीं महके ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। स्लो फ्लेम में मैंने इसे पकाया 3 मिनट तक, जी हाँ 3 मिनट तक मैंने पकाया, ऑयल छोड़ दिया मसालों ने और ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। जी हाँ मसाला भुन चुका, प्याज भुन चुका। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको मिक्सी में चला के उनका पेस्ट बना लिया था और बस इसको भी हमें पकाना है कम से कम 3 मिनट तक। जी हाँ टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लेंगे, हमारे प्याज पक चुके, मसाले पक चुके, टमाटर को भी अच्छी तरह पकाएंगे। टमाटर जब तक पकाना है जब तक कि हमारा टमाटर ऑयल नहीं छोड़ दे। जी हाँ टमाटर ने भी ऑयल छोड़ दिया, देखिए इस तरह से मतलब हमारा मसाला है ना कुल मिला के टोटल अच्छा पक चुका है। कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं ना उसका मसाला अगर अच्छी तरह आपने भून लिया ना तो बस समझ लीजिए आपकी रेसिपी 100% अच्छी बनेगी। अब इतनी गाढ़ी रेसिपी तो हमें चाहिए नहीं इसके अंदर, तो इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। जी हाँ 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उबाल हमें लाना है ग्रेवी के अंदर। तो उबाल हमारी ग्रेवी के अंदर आ चुका है और बस इसमें हम डाल देंगे हमारी ये वड़ियाँ, आटे और बेसन की वड़ियाँ डाल देंगे और इसे कर देंगे मिक्स। लेकिन अब इसे पकाना है। जी हाँ ध्यान रखिएगा, फ्राई हमने कर लिया था तो कच्चापन दूर हो चुका, लेकिन अभी ये हार्ड होंगे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए हमें पकाना है इसे। तो ढक्कन लगा के मैं इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पकाऊंगा, कम से कम 7 से 8 मिनट पकाऊंगा। तो 7 से 8 मिनट मैंने इसको पकाया है ढक्कन लगा के। अब टेक्स्चर देखिए आप बिल्कुल इसका, और ये हमारी वड़ियाँ है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और अंदर से भी आपको कच्चा नहीं लगेगा। आप ये ट्राई करके और आप जब खाएंगे ना तो आप खुद बोल देंगे भाई सिंह भाई वाकई में आपने बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई थी। तो बस ये हो चुकी हमारी बढ़िया तैयार। अब क्या करना है भैया, हमारा परम मित्र हरा धनिया तो इसमें डाल दें, इसके अलावा तो हमारी रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। धनिया ज़रूर डाल लीजिए, हरा धनिया ज़रूर डालिएगा वरना रेसिपी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस ये देखिए, ये हमारी हमारी बेसन और हमारी आटे की बढ़ियाँ बिल्कुल हो चुकी तैयार और इसे आप कंटेनर में रख के भी कर सकते हैं, फ्राई करके कंटेनर में आराम से इसे रख सकते हैं 1 महीने तक, जब भी बनाना हो तो फटाफट निकाले और बना ले। तो बस ये हमारी वड़ियों की वाली सब्जी हो गई तैयार। और कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अब खाना कैसे है वो आप कैसे भी खा सकते हैं, रोटी पराठा चावल नान जिसके साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। नई रेसिपी नई वीडियो के साथ वापस आ जाता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।